नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क लाइव। 25,000 का इनामी गौ तस्कर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। शातिर गौ तस्कर तथा 25,000 का वांछित इनामिया हुआ पुलिस मुठभेड़ में घायल। मौके से उसका एक अन्य साथी भी गिरफ्तार। थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही। खबर है कि सोमवार की रात को थाना करीमुद्दीनपुर अंतर्गत गांधीनगर के पास करीमुद्दीनपुर थानाध्यक्ष द्वारा चेकिंग की जा रही थी कि एक बोलेरो सवार दो बदमाश द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए भागने का प्रयास किया गया, जिन्हें घेराबंदी कर आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा किए गए जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया है तथा दूसरे को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। गोली लगने से घायल अभियुक्तों में पप्पू उर्फ अली अहमद पुत्र इकबाल नट निवासी ग्राम रसूलपुर व्यवहारा थाना मुबारकपुर आजमगढ़ और छोटू नट पुत्र जुम्मन नट निवासी ग्राम गौरी थाना गंभीरपुर आजमगढ़। उपरोक्त बदमाशों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है, जांच कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। देखिए यूपी गाजीपुर से संवाददाता रिजवान अंसारी की यह खास रिपोर्ट। और ऐसे ही आसपास की खबर से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगर हम तक कोई खबर या विज्ञापन पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद। सर, करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र में पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, सर क्या है पूरी घटना? सर, आज पूरे जनपद में चेकिंग चल रही थी। करीब 11:45 बजे थाना करीमुद्दीनपुर क्षेत्र में एक संदिग्ध बोलेरो को रोकने का प्रयास किया गया गांधीनगर के पास थाना प्रभारी करीमुद्दीनपुर द्वारा, तो वो बोलेरो नहीं रुकी बल्कि वो वहाँ से पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागे। उन्हीं की एक टीम आगे चेकिंग कर रही थी, उन्होंने जब रोकने का प्रयास किया तो बैरियर वगैरह लगा के उस बोलेरो चालकों ने अपने आप को घिरा पाकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें एक अपराधी को गोली लगी है, दूसरा गिरफ्तार किया गया है। जो घायल अपराधी है, पूछताछ पे जानकारी हुई है कि वो एक शातिर गोकश है, जिसके ऊपर जनपद आजमगढ़ और जनपद गाजीपुर में कई अभियोग पंजीकृत हैं तथा जनपद गाजीपुर से भी वो जून के माह में एक गोकशी की घटना में वांछित चल रहा है। उस समय भी इसके पास से 3 गाड़ियां बरामद हुई थी और काफ़ी मात्रा में गोवंश मिले थे। आज भी इसकी बोलेरो में जब चेकिंग की गई तो क्रूरता के साथ 3 गोवंश को उसमें लादे हुए था। इस पे पूर्व से ही जनपद में 25,000 रुपये इनाम भी चल रहा था और इसे घायल अवस्था में निकट के सरकारी अस्पताल में भेजा गया है, उपचाराधीन है। इसके साथी को भी गिरफ्तार किया गया है तथा उचित वैधानिक कार्रवाई दोनों के विरुद्ध की जा रही है। धन्यवाद सर।